डिसेंबर 9 तारीख गलवान घाटी पार्ट टू स्टोरी लिखा को चाहूला चाइना। अरुणाचल प्रदेश तवांग सेक्टर को एककालीन माड़ी आसी 600 अधिक ड्रैगन आर्मी 17,000 फुट उच्चरे भारतीय जवान पोस्ट को हटावा को करते बड़ प्लान। सशस्त्र चाइना जवान को जवाब देवाई प्रस्तुत रही वीर भारतीय जवान आ भारतर सुरक्षा प्रहरी माड़ में भांगी शताधिक चाइना सैन्य हाथ आउ गोड़। सीमारे शांति भंग करुछि प्रतिपक्ष चाइना अरुणाचल उपरे पकाई लोलुप आखि। 1975 मसीह जारी रही तवांग्रे विवाद सीमारे रास्ता और पोल निर्माण करथिबा बेले भारतीय जवान को पछक ठेलिबा को करुछि प्रयास, किंतु प्रतिथर भली एथर मध्य विफल होइछि चलाकिछि। जेतेबेले लाइन अफ एक्चुअल कंट्रोल तवांग पोस्ट रे विवाद सूत्रपात होइतिला रक्तर छिटा पड़ी। 1975 मसीह भारतर 4 जन जवान भी शहीद होते सेबेठ भारत सीमार किसी अंश को निजर बोरी दाबी करुछि चाइना सेना और जहाँ को नहीं जारी रही। पूर्व जून 15, 2020 घटी रक्ताक्त संघर्ष गलवान घाटी में मुहांमुही होते दुई देशर सेना रक्त रंजित होता गलवान नदी। निष्ठा और जातीयतार विजय ध्वजा उड़ेबाक जाए 20 जन वीर भारतीय जवान शहीद हुए आ प्रतिपक्ष ड्रैगन आर्मी को प्रतिरोध करते 38 अधिक चाइना सेनाकर मध्य मृत्यु घटे। जदिबा यह संख्या शताधिक किंतु तथ्य लुचाई चाइना सूत्र कहुची तवांग सेक्टर में भारत और चीन सैनिकों मुहांमुही होगा। भारत एरिया कमांडर निज समकक्ष चीन अधिकारी फ्लाग मीटिंग करी अवसर में यह प्रसंग को नहीं उभय पक्ष मधे आलोचना होता। आलोचना समय रे उभय पक्ष मिलमिशी मामलार समाधान करने को सहमति प्रकाश करतीस तो उभय पक्षर क्षेत्र में शांति और स्थिरता बलवत्तर रखा कथा कमिटिक कूटनैतिक स्तर में चाइना को चेतावनी दि जा। संसदर उभय सदन में मंगलवार 12 घटिकार एने बृत्ति रखि प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया अध्यक्ष महोदय। इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं और मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। तवांग सेक्टर में घटित घटना को नहीं गृह को आश्वासना दी थे भारतीय जवान का सामर्थ्य पराक्रम और निष्ठा को सलाम जनाई कही चाइना जदिबा सीमार अप्रीतिकर परिस्थिति सृष्टि करने को चाहूला किंतु कड़ा जवाब देते भारतीय जवान भारत को पशिवा को देना धस्ताधस्ती फल चाइनार एकाधिक जवान हाथ गोड़ भांगी जाता बेले आहत तो होता भारतीय जवान को गुवाहाटी में भर्ती करा वर्तमान स्थिति स्वाभाविक रही बेले चाइना को कूटनैतिक स्तर में चेतावनी दि जा संसद में कहते प्रतिरक्षा मंत्री। ब्यूरो रिपोर्ट, नंदीघोष डिजिटल।